जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविजन एसएससी बैंक एग्जाम्स पे। मैं हूं आप लोग के साथ उर्वशी सिंगी, और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों रहने वाला है, वो रहने वाला है टॉप 10 करेंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 11th of January 2022। आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग घरों में बिल्कुल अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है या फिर इन वीडियोज को पहली बार देख रहा है, मेक श्योर दैट यू हिट द सब्सक्राइब बटन, ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन, ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि सेशंस की पीडीएफ आप लोग को मिल जाए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक के हेल्प से सेशन की पीडीएफ को भी आप लोग अवेल कर सकते हो, और साथ ही साथ आप लोग हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल अविजन इंस्टीट्यूट के ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कीजिए। इसके लिए आपको करना क्या होगा, एक छोटी सी चीज, आपको प्ले स्टोर पर जाकर टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल करना होगा। लॉग इन साइन अप करने के बाद दोस्तों वहां पर सर्च करिएगा अविजन इंस्टीट्यूट, कुछ इस प्रकार का लोगो आपको दिखाई देगा और उस ग्रुप को आपको क्या कर लेना है, तुरंत ही ज्वाइन कर लेना है। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जितने भी वीडियोस अपलोड किए जाते हैं उनकी लिंक और उनकी पीडीएफ आपको डेली इस चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है, डेली इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और साथ ही साथ दोस्तों रेस्पेक्टिव फैकल्टीज अपने अपने सब्जेक्ट वाइज आपको कुछ एमसीक्यूज प्रोवाइड करते रहेंगे, जिससे आपकी अपडेटेड फॉर्म में तैयारी भी चलती रहेगी और आपको अपडेशन मिलता रहेगा हर एक टॉपिक के ऊपर। साथ ही साथ दोस्तों आप लोग अपनी क्वेरीज को भी वहां पर डिस्कस कर सकते हैं। फर्दर आप लोग विजिट कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर, दैट इज avision.co.in, जहां पर आपको लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में सारी डिटेल चर्चा मिल जाएगी। कौन कौन से एग्जाम्स आ रहे हैं इसकी बात भी हमें बता दी जाएगी। दोस्तों फर्दर जानकारी के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो और कॉल कर भी अपनी क्वेरी को आप लोग सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन आपके और मेरे साथ हमारी स्क्रीन पर। दोस्तों ये रहा, द फर्स्ट एवर स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक इज प्लान टू बी हेल्ड फ्रॉम January 10 to 16, 2022। द वीक लॉन्ग इनोवेशन सेलिब्रेशन इज गोइंग और बींग ऑर्गेनाइज बाय। तो दोस्तों पहली बार इंडिया में स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक स्टार्ट हुआ है, जो कि 10 से लेकर 16 जनवरी 2022 तक मनाया जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इसको कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज करेगी, ये बात आपको बताना है, ठीक है। DRDO, नीति आयोग, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन एंड इंडस्ट्रीज ऑफ इंटरनल ट्रेड, दैट इज DPIIT, और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड। तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि पहली बार इंडिया में इंडिया इनोवेशन वीक मनाया जाएगा 10 से 16 जनवरी 2022 को। बेसिकली ये पार्ट है दोस्तों वर्चुअल प्लेटफॉर्म का, और किसके अंडर, आजादी का अमृत महोत्सव टू कॉमेमोरेट द 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस, राइट। तो दोस्तों आपको ये बात ध्यान रखनी कि किसके अंडर आएगा, तो ये आएगा आजादी का अमृत महोत्सव, ठीक है। और ये कौन से प्लेटफॉर्म में रहेगा, तो ये वर्चुअल प्लेटफॉर्म के तहत रहेगा, ठीक है। द वीक लॉन्ग इनोवेशन सेलिब्रेशन इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय DPIIT, ठीक है। तो DPIIT का पहले तो आप लोग को फुल फॉर्म याद रखना होगा, और साथ ही साथ दोस्तों ये जो DPIIT है ये कौन से सेक्शन के अंडर आता है, किसके अंडर आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है। तो ये बात भी आप लोगों के साथ ध्यान रखोगे। द प्रोग्राम विल शोकेस द स्प्रेड एंड डेथ ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप अक्रॉस इंडिया, स्टेट्स एंड यूटीज एंड वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल टेक द पार्ट इन द प्रोग्राम टू एड्रेस की एस्पेक्ट्स ऑफ द स्टार्टअप इकोसिस्टम थ्रू इंटरएक्टिव सेशंस, वर्कशॉप्स एंड प्रेजेंटेशन। तो दोस्तों ये जो आप लोगों के स्टार्टअप रहेगा, ये जो आपका प्रोग्राम रहेगा, बेसिकली इसमें आपके इंटरेक्टिव सेशंस रहेंगे, वर्चुअली ही वर्कशॉप्स रहेगी और प्रेजेंटेशंस के थ्रू आप लोगों को डेमोज दिए जाएंगे, ठीक है। तो एक बहुत ही अच्छा यहाँ पर इनोवेशन, मतलब एक बहुत ही अच्छा स्टेप यहाँ पर लिया गया गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम का। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू के ऊपर। पीएम मोदी हैज डिक्लेयर्ड विच ऑफ दीज डेज टू बी ऑब्जर्व एज वीर बाल दिवस, ठीक है। तो आप लोगों को बताना है दोस्तों कि कौन, पीएम मोदी ने कौन से दिवस को वीर बाल दिवस घोषित किया है, ठीक है, ये बात आपको यहाँ पर बतानी है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, 26th of December, राइट। तो ये बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि 26 दिसंबर को, ठीक है, पीएम मोदी ने ऑब्जर्व किया है वीर बाल दिवस। पढ़ लेते हैं इसके बारे में। पीएम मोदी प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी हैज डिक्लेयर्ड दैट स्टार्टिंग फ्रॉम ईयर 2022 December 26 विल ऑब्जर्व एज अ वीर बाल दिवस एवरी ईयर। द डे विल बी कॉमेमोरेटेड एज ट्रिब्यूट टू करेज ऑफ 4 साहिबजादेज, दैट इज योर गुरु गोबिंद सिंह, ठीक है, जो आपके 17th century में दोस्तों शहीद हुए थे। तो ये आपको बात ध्यान रखनी कि गुरु गोविंद सिंह के दोस्तों 4 बेटे, ठीक है, 4 शहीद साहिबजादे, ये आपको ध्यान रखना है। टू अनाउंस वॉज मेड बाय पीएम मोदी ऑन January 9, 2022 ऑन ओकेजन ऑफ
प्रकाश पूरब ऑफ श्री गुरु गोबिंद सिंह जी और द बर्थडे एनिवर्सरी ऑफ 10th गुरु सिख फाउंडर ऑफ खालसा कम्युनिटी. 26 दिसंबर मार्क्स ऑन द डे विच द साहिबजादा जोरावर सिंह जी एंड साहिबजादा फतेह सिंह जी यंगर पेयर ऑफ द साहिबजादे अटेंड मैट्रिमोनी आफ्टर बीइंग सील्ड अलाइव इन वॉल एंड द टेंडर एज ऑफ 6 और 9. ठीक है, बेसिकली इनको दीवार में चुनवा दिया गया था दोस्तों जब ये मात्र 6 और 9 वर्ष के थे. साहिबजादे अजीत सिंह जी एंड साहिबजादा जुजार सिंह जी ओल्डर पेयर ऑफ साहिबजादे अटेन मेट्रीडोम इन 21st of December 1705 फाइटिंग द एनिमी बैटल ऑफ चरमकौर साहिब एज द यंगर एज ऑफ 18 और 14. ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखना दोस्तों. तो यहाँ से दोस्तों बेसिकली 4 sons ऑफ गुरु गोबिंद सिंह जी को ट्रिब्यूट करते हुए 4 साहिबजादों के लिए दोस्तों यहाँ पर वीर बाल दिवस का यहाँ पर ऑब्जर्वेशन किया गया. कौन से दिवस पर? तो December 26. किसके द्वारा? पीएम मोदी, राइट, ये ध्यान रखना. नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर. जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप JWST हैज बीन रिसेंटली सक्सेसफुली डेवलप्ड बाय विच स्पेस एजेंसी इन द स्पेस? रॉस्कोमोस, इसरो, नासा, जाक्सा. हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज नासा. तो दोस्तों यहाँ पर नासा ने सक्सेसफुली कंप्लीट किया है डिप्लॉयमेंट ऑफ जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप. ठीक है, तो ये बात आप लोग इधर क्या करोगे, ध्यान रखोगे, ये कहीं ना कहीं आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा. ठीक है, इंटरनेशनल अफेयर्स में भी इसके क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा सकते हैं. तो नासा टीम सक्सेसफुली कंप्लीटेड द डिप्लॉयमेंट ऑफ 21-foot गोल्ड कोटेड प्राइमरी मिरर पैनल ऑफ JWST ऑन January 8, 2022. This milestone achieved marks to complete structural deployment of the observatory, making the ready to study comic history. इसको लॉन्च किया गया था December 25, 2021 में 5 rockets में फ्रेंच गिनी में. ठीक है, तो फ्रेंच गिनी में, ये बात आपको ध्यान रखनी है. बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटर है दोस्तों 1961 से 1968 के और एक सक्सेसफुल हबल स्पेस टेलीस्कोप है. ठीक है, ये भी बात आपको इधर ध्यान रखनी है कि दिस इज गोना बी इम्पोर्टेंट, राइट, इंटरनेशनल अफेयर्स में क्वेश्चन बना सकता है. नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट इज द लेटेस्ट वैल्यू ऑफ फॉरेन करेंसी रिजर्व ऑफ इंडिया एज पर डेटा बाय RBI? नाउ दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर योर फाइनेंशियल अवेयरनेस करंट अफेयर्स, राइट, फाइनेंशियल अवेयरनेस पर इस पर क्वेश्चन आपके बन सकते हैं. तो लेटेस्ट वैल्यू क्या है फॉरेन करेंसी रिजर्व की एज पर डेटा ऑफ RBI? तो दैट इज $621.518 billion, $639.405 billion, $642.453 billion और $633.614 billion. Here the correct option will be option number D, that is $633.614 billion. तो forex reserve declined by $1.466 billion to $633.614 billion RBI data के हिसाब से. ठीक है, तो यहाँ पर gold reserve ने भी यहाँ पर थोड़ा सा उछाल मारी है दोस्तों, 14 मिलियन से लेकर ये 39.405 बिलियन हो चुके हैं. इंडिया फॉरेक्स टच्ड अ लाइफ टाइम हाई $642.453 बिलियन इन द वीक एंडेड September 3, 2021. फॉरेक्स रिजर्व इंक्लूड द FCAs, गोल्ड रिजर्व, SDRs एंड कंट्री रिजर्व पोजीशन विद द IMF. मैंने आप लोगों को बताया दोस्तों, इसको बिग बास्केट बोलते हैं. क्या बोलते हैं? बिग बास्केट. बिग बास्केट में आपकी 5 करेंसीज आती है ना, उसमें आपकी कंट्री की कौन सी पोजिशन है, ठीक है, ये आता है, साथ ही साथ SDR आता है दोस्तों, ठीक है, और गोल्ड रिजर्व. तो ऐसे कर कर आपकी दोस्तों क्या बनती है? बास्केट बनती है. और ये पता चलता है कि आपके इंडिया के फॉरेन रिजर्व में क्या कैपेसिटी है. तो हमारे इंडिया के जो फॉरेन रिजर्व है उसकी इन चारों पांचों से क्या होगी कैपेसिटी बताई जाती है कि हाँ इतने यहाँ पर रिजर्व है इतने नहीं. तो RBI ये डेटा निकालता है दोस्तों, RBI के तहत ये डेटा निकलता है और IMF के पास, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, उसके पास ये रिजर्व्स की पूरी बिग बास्केट की लिस्ट रहती है, ठीक है, सारी कंट्रीज की. नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं, इन द लेटेस्ट SBI इकोवैप रिपोर्ट व्हाट इज द प्रोजेक्टेड GDP ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया इन फाइनेंशियल ईयर 2022? 9.7%, 9.1%, 9.5%, 9.3%. हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 9.5%. तो यहाँ पर इकोनॉमिक रिसर्च टीम जो है SBI की, उसने रिलीज किया है इकोवैप रिपोर्ट ऑन January 8, 2022. इन द रिपोर्ट SBI researchers have revised upwards the real GDP of India to around 9.5% in financial year 2022 on an year-on-year. The report believes that tough rising COVID infections could compact mobility, yet economic activity is not expected to get much affected.
तो यहाँ पर बात तो ये बोल रहे कि दोस्तों की कोविड के इन्फेक्शन जो इतनी तेजी से ओमिक्रॉन के केसेस आ रहे हैं भारत में, ये कहीं ना कहीं इकोनॉमिक एक्टिविटी को दोस्तों इस बार अफेक्ट नहीं करेंगे, ऐसी यहाँ पर मान्यता है सरकार की। हाँ, मोबिलिटी को जरूर करेंगे, आने जाने की चीजों को जरूर यहाँ पर थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ सकता है, डेफिनेटली लोग आने जाना में सोचेंगे, बट इकोनॉमिक एक्टिविटी पे इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ऐसी इनकी मान्यता है। ठीक, देखते हैं आगे क्या होता है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। नेम द इंडियन कंपनी विच हैज रिसेंटली एक्वायर्ड कंट्रोलिंग स्टेक इन मैंडरिन ओरिएंटल न्यूयॉर्क 5-स्टार होटल। रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा ग्रुप, लार्सन एंड टुब्रो, आईटीसी लिमिटेड। द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज योर रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पर दोस्तों रिलायंस ने एक्वायर किया है क्या, कंट्रोलिंग स्टेक। ठीक है, क्या है कंट्रोलिंग स्टेक देख लेते हैं। कंट्रोलिंग स्टेक ऑफ 73.37% इन न्यूयॉर्क मैंडरिन ओरिएंटल होटल अराउंड $270 मिलियन। तो यहाँ पर प्रीमियर लग्जरी होटल ऑफ मिडटाउन मैनहट्टन, उसका कंट्रोलिंग स्टेक ले लिया है रिलायंस ने। ठीक है, आप ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज थ्रू इट्स होली ओन्ड आर्म रिलायंस इंडस्ट्रीज इन्वेस्टमेंट एंड होल्डिंग लिमिटेड हैज एक्वायर्ड द एंटायर शेयर कैपिटल ऑफ केमैन आइलैंड्स बेस्ड केमैन, दैट इज योर कोलंबस सेंटर कॉर्पोरेशन, फॉर एन इक्विटी वैल्यू ऑफ अप्रॉक्सिमेटली 735 करोड़। केमैन इज पेरेंट कंपनी ऑफ मैंडरिन ओरिएंटल होटल, इट हैड इनडायरेक्ट ओनरशिप ऑफ 73.37% स्टेक इन होटल। रिलायंस विल ऑल्सो टेक ओवर द होटल डेब्ट ऑफ एक्सेस $115 मिलियन टू टेक द एंटायर डील इन टू अराउंड $270 मिलियन। द ट्रांजेक्शन इज एंटिसिपेटेड टू क्लोज बाय द एंड ऑफ मार्च 2022। तो आपको जो ध्यान रखना है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कंट्रोलिंग स्टेक बनाया है दोस्तों किसमें, आपके मैंडरिन ओरिएंटल होटल, जो कि किसका पार्ट है, जो कि पार्ट है आप लोगों का केमैन का। केमैन इसकी पेरेंट कंपनी है किसकी, मैंडरिन ओरिएंटल होटल की। राइट, तो ये बात ध्यान रखनी है आपको। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। सेंटर हैज रिसेंटली एक्सटेंडेड द टेन्योर ऑफ होम एज अ इंटरिम चेयरपर्सन ऑफ इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड इन इंडिया IBBI टिल मार्च 5, 2022। सुधाखेर शुक्ला, नवरंग सैनी, मुकुलिता विजयवर्गीय, एम एस साहू। द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज नवरंग सैनी। तो दोस्तों फोटो देख पा रहे हैं आप इनकी, तो सेंटर है एक्सटेंडेड द टेन्योर ऑफ नवरंग सैनी एज इंटरिम चेयरपर्सन ऑफ IBBI, दैट इज योर इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, फॉर द 3 months, दैट इज मार्च 5, 2022। मिस्टर सैनी, who is a whole time member of IBBI, has assigned additional charge of the chairperson in addition to his existing duties on October 2021 for 3 months till January 13, 2022. The post of full time chairperson has been lying vacant after MS Sahu retired upon completing a 5-year tenure on September 30, 2021. Right, to ye baat aap log ko dhyan rakhni hai ki center ne extend kiya hai Navrang Saini ka tenure, theek hai, as a interim chief of IBBI for the period of 3 months। ये बात भी आप लोग इधर क्या करोगे, ध्यान रखोगे। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक्स गांधी असेन, द मेकिंग ऑफ नथुराम गोडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया। रवीश कुमार, शकुंतला राव, राजदीप सरदेसाई, धीरेन्द्र के झा। द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज धीरेन्द्र के झा। द न्यू बुक टाइटल गांधी असेन, द मेकिंग ऑफ नथुराम गोडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया हैज रिलीज्ड ऑन January 4, 2022। द बुक हैज बीन ऑथर्ड बाय दिल्ली बेस्ड जर्नलिस्ट, दैट इज धीरेन्द्र के झा, अंडर अ विंटेज बुक पब्लिकेशन। इट नरेट्स गोडसे रिलेशनशिप विद द ऑर्गेनाइजेशन दैट इन्फ्लुएंस्ड हिज वर्ल्ड व्यू एंड द ग्रेजुअल हार्डनिंग of his resolve, the fateful decisions that eventually led the Mahatma Gandhi's assassination, right? तो ये बात आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, महात्मा गांधी और नथुराम गोडसे आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। कोई भी दिक्कत आती है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं दोस्तों। कोई भी क्वेश्चन होता है टेलीग्राम में आप बोल सकते हो, आप लोग मेरी ऑफिशियल ईमेल आईडी पर भी मुझसे रिलेटेड टू करेंट अफेयर्स और एनी अदर बैंकिंग अवेयरनेस और फाइनेंशियल अवेयरनेस कोई भी MCQ अगर आपके पकड़ में नहीं आता है तो आप मुझे वहां पर मेल कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। व्हेन इज द प्रवासी भारतीय दिवस, दैट इज नॉन रेजिडेंट इंडियन डे, सेलिब्रेटेड इन इंडिया। 08 जनवरी, 2nd Sunday of January, 10 January, 10 January मीन्स और 9 January। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 9th of January। तो दोस्तों प्रवासी भारतीय दिवस नॉन रेजिडेंट इंडियन डे इज ऑब्जर्व बाय द रिपब्लिक ऑफ इंडिया ऑन 9 January टू मार्क द फेवर्स एंड कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय द नॉन रेजिडेंट इंडियंस टुवर्ड्स द वेलफेयर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द नेशन।
इंडिया सेलिब्रेटिंग 17th प्रवासी भारतीय दिवस इन 2022 एज अ पार्ट ऑफ द सेलिब्रेशन द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स विल एड्रेस वर्चुअल यूथ पीबीडी कॉन्फ्रेंस ऑन द थीम ऑफ role of Indian diaspora. The conference will cover various aspects with the regard to the innovation and new technologies by the overseas Indian residing the countries worldwide, right? So, dosto, non-resident Indian Divas kab manaya jata hai aapka? 9 January ko, ye baat aapko dhyan rakhni hai, yahan par iska थीम भी आपको पकड़ में रखना है. नेक्स्ट चलते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन के ऊपर. विच डे इज मार्क्ड एज अ वर्ल्ड हिंदी डे ग्लोबली एवरी ईयर. January 10, January 4, January 6, January 9. हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज January 10. तो यहाँ पर द वर्ल्ड हिंदी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन January 10 सिंस 2006 टू प्रमोट द लैंग्वेज एट अ ग्लोबल स्टेज. द डे मार्क द एनिवर्सरी फॉर द फर्स्ट हिंदी कॉन्फ्रेंस विच हैज इनॉग्रेटेड ऑन January 10, 1975 by then Prime Minister Indira Gandhi. ठीक है, तो इंदिरा गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थी दोस्तों, तब पहली बार वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस डे मनाया गया था. और बेसिकली वर्ल्ड हिंदी डे 10 जनवरी को हर साल मनाया जाता है. हाउएवर द सेलिब्रेशन ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड हिंदी डे कॉमेमोरेटेड बाई 2006 बाई फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह. In India, National Hindi Day celebrated on 14th of September every year. ठीक है, तो World Hindi Day 10 January और National Hindi Day that is your 14th of September. Now this is the difference you have to pick, right? ये आपको यहाँ पर याद रखना है दोस्तों, exam point of view से confuse हो जाते हैं. National 14 September और वर्ल्ड वाइड 10 जनवरी, राइट? तो ये था हमारा पूरा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन. आशा करते हैं कि सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा. अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप लोग के फोन स्क्रीन पर आ जाए. आगे आने वाले और फ्रूटफुल सेशन के लिए हमारे साथ बने रहिए. तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे.